देखिए आज ख्वाजा साहब के 810वें उर्स मुबारक को लेकर के दरगाह कमेटी और दोनों अंजुमनें और दीवान साहब के नुमाइंदे ये सभी हम बैठे यहाँ पर कि किस तरीके से उर्स के मामलात पर बार गौर किया जाए कि किस तरीके से ख्वाजा साहब के उर्स हों। ख्वाजा साहब के उर्स तो होंगे क्योंकि ख्वाजा साहब की शान ही ऐसी है, अल्लाह ने ऐसी बनाई है। अब रहा सवाल कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के, तो हमारा यही कहना है लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। लेकिन ये उर्स ऐसा उर्स है कि ख्वाजा साहब के यहाँ पर जो आवाम आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उसका कम से कम 10-15% वो लोग होते हैं जो 40-40, 50-50 साल से बराबर यहाँ पर हाजिरी दे रहा है, एक साल भी उनका मिस नहीं हुआ। ये उन्होंने अपना एक शेड्यूल बना रखा है कि ख्वाजा साहब के दरबार में उर्स में हाजिरी देंगे। लिहाजा इन तमाम बातों को देखते हुए हमारा प्रशासन से, राजस्थान सरकार से ये कहना है कि ख्वाजा साहब के उर्स में किसी भी तरह का ऐसा रिस्ट्रिक्शन अगर हम लगाएंगे कि 50 या 500 या 5000 लोगों को छोड़ेंगे और बाकियों को रफ्ता रफ्ता छोड़ेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। इसलिए हमारा कहना ये है कि ख्वाजा साहब के उर्स अगर होंगे तो बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी पाबंदी के ख्वाजा साहब के उर्स होना चाहिए। और हमारा ये ईमान है, क्योंकि 2 लॉकडाउन पहले खुलने के बाद भी लाखों की भीड़ यहाँ पर आकर के गई, लेकिन कोई ऐसा सुनने में नहीं आया, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं बनी कि दरगाह के ज़ायरीन से किसी तरह का कोई विस्फोट हुआ। इसका मतलब यह है कि ये ख्वाजा साहब का दरबार है, यहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था है, और ना सिर्फ मुस्लिम, 60% तो गैर मुस्लिम करीब नवाज की बारगाह में आते हैं। और नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, बढ़ते हुए केसेस के बाद ये फैसला लिया गया, जहां नागपुर में आज से 1 सप्ताह का लॉकडाउन है। सख्त लॉकडाउन नागपुर में लागू रहने वाला है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बाहर निकलने की परमिशन है, छूट दी गई है। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 2353 नए केस सामने आए हैं और आज से 1 सप्ताह का लॉकडाउन नागपुर में लागू कर दिया गया। और केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगा दिया। दुआ भी करते हैं साथ में आइंदा जिस तरह मामला। केरल में पिछले 24 घंटे में 17,481 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में राज्य में वायरस से 106 लोगों की जान चली गई। केरल में अभी 1,29,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। अब तक 15,000 से ज्यादा लॉकडाउन तोड़ चुके हैं। केरल में जीका वायरस का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। 3 और मरीज मिलने के बाद जीका मरीजों की तादाद 41 पहुँच गई है। रफ्तार के बाद अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी राज्यों को कई तरह के निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। यहाँ बिहार में इसी तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद बड़ा फैसला नीतीश सरकार ले रही है। नई गाइडलाइंस भी लागू कर दी गई है। आज से बिहार में सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे।